सारे म्यूट रखना। पूनम जी, जिनको हम गोल्ड मेडल दे रहे हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नियम के मामले में एक एक नियम इनको याद है। मैं कई बारी ना, मुझे मतलब जैसे इनको बीच में शुरू में एक दो बारी छोड़ने का मन हो गया था किसी भी कारण से, तो वो इनको मैंने कहा था आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत हो मैं बैठा हूँ। ये मेरे 9,500-10,000 बच्चे हैं, और कोई भी कुछ भी पूछता है, चाहे एक बार पूछे 10 बार पूछे, तो मैं उसे कभी भी ना नहीं करता। मेरे उसमें ना लिखा ही नहीं है, बस मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है। तो इनको मैंने कहा था आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे आप बहुत आगे निकलोगे। और इन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई इस तरीके से करी है, जैसे स्कूल में किसी को 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है ना, तो मुझे 95% लाने हैं, मतलब मुझे पूरी नॉलेज चाहिए, 96 लाने हैं, 98 लाने हैं। इन्होंने इस तरीके से मेहनत करी, मैं इनको गोल्ड मेडल दे रहा हूँ, और इनको पूनम जी को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरीके से आप ज्योतिष करते रहें, पढ़ते रहें और आगे तरक्की करें। ये सर्टिफिकेट, एक मिनट, ये आ गया पूनम जी का सर्टिफिकेट। आपको पूनम जी गोल्ड मेडल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। हाँ जी, सर्वप्रथम गुरु जी एंड गुरु माँ प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान से, जिसके आप और गुरु माँ संचालक हैं, के संपर्क में आई और ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करी, विश्व प्रख्यात नवयुग परिवार की एक सदस्य बन सकी। आप और गुरु माँ बहुत ही प्रेरणा देते हैं, हम सबके प्रेरणा के सूत्र हैं और हम सबको एक डोर से बांधे रखते हैं। आपके पास ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का अमृत रस है, जिसे आप अपने हर विद्यार्थी को प्रदान करते हैं। आप अपने विद्यार्थियों से और ज्योतिष में रुचि रखने वालों से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से जुड़े रहते हैं और उनकी ज्योतिष जिज्ञासा व आशंकाओं को दूर करते हैं। आप और गुरु माँ दोनों ही बहुत ही शांत व निर्मल स्वभाव के हैं। आप सदैव हम विद्यार्थियों की समस्याओं के निवारण के लिए सहायक रहते हैं, चाहे वह समस्या ज्योतिष विषय की हो या व्यक्तिगत हो। ज्योतिष के प्रथम चरण की मेरी इस सफलता का श्रेय आपको जाता है और आप और गुरु माँ के आशीर्वाद की मैं सदैव कामना रखती हूँ और आपका विश्वास बनाए रखने का की मेरी सर्वप्रथम की सदैव कोशिश रहेगी। थैंक यू पूनम जी, गोल्ड मेडल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो।